बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक करम और शुक्र वाले दिन के साथ आज का वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो में जी आपको थंबनेल देख के सारा कुछ पता तो लग गया होगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए पहले मैं अपने ये खत वगैरह करवाऊँ, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो पहले उधर जाते हैं, दुकान ही ना बंद हो जी, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, सुबह इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाना है। तो सबसे पहले आप जाते हैं, अपनी ये सेटिंग शेटिंग करा के आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको सारी स्टोरी बताते हैं। तो जी मैं दोबारा वीडियो में आ चुका हूँ और मैं अभी थोड़ी देर पहले कटिंग कराने के लिए गया था, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। तो कटिंग करा के आके मैंने रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने कहा तसली से वीडियो शूट करते हैं। तो अब जी हुआ कुछ ऐसे कि पहले तो पता था कि 15 सितंबर को यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, तो कोई इशू नहीं था, तैयारी शैयारी पूरी मुकम्मल कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इस तरह कर लेंगे। तो थोड़ा सा मूड बैक टू पोजीशन आ गया कि भाई चलो अभी नहीं ओपन हो रही। लेकिन फिर जब मैंने अपने टीचर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा मंडे वाले दिन कन्फर्म बताया जाएगा कि आपका कैंपस जो है, सेमेस्टर जो है वो आ रहा है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है जी, आज मंडे है, तो आज तकरीबन 2 बजे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैंने कहा चलो हो सकता है शायद नहीं ओपन हो रही या लेट ओपन होगी, तो मैं खेलने के लिए चला गया। इसलिए मैं लेट इतना तैयार होने के लिए गया था, मतलब कटिंग वगैरह करवाने गया था, क्योंकि मुझे पहले नहीं था पता। तो जब मैं क्रिकेट से खेल के आया तो फिर ये वाला नोटिफिकेशन आया हुआ था जी, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ उन्होंने फर्स्ट और सेवन्थ सेमेस्टर जो है उसको बुलाया, बाकी जो है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर हैं उनको छुट्टियाँ दे दी हैं, और वो मतलब छुट्टियाँ नहीं दे दी, सॉरी, ऑनलाइन क्लासेज होंगी उनकी, लेकिन हमें कैंपस में फिज़िकली जाना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, सबसे पहले आप बैग ढूंढते हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से बैग को नहीं देखा, किधर पड़ा है, क्या सूरत हाल है उसकी। ऐसे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो चुके हैं अंदर मेरे, लेकिन उसके अंदर बस नोट्स ही लिए और पेपर दे के ख़त्म। अब पहले बैग ढूंढते हैं, यूनिवर्सिटी का गार्ड ढूंढते हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ढूंढते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सुबह यूनिवर्सिटी चलते हैं। ये सारी चीज़ों से जी सिर्फ शॉर्ट्स लेने के लिए और दिखाने के लिए थी, असल में तो हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इसको हम सब लेके जाएंगे और इसके ऊपर सारे लेक्चर्स वगैरह नोट करेंगे, क्योंकि अभी बैग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई नोट्स नहीं खरीदे या कोई मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक ये रजिस्टर ले जाएंगे और इसके ऊपर जो जो चीज़ें नोट करनी होंगी वो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अभी तो मैं जितनी सी मैंने अभी वीडियो शूट करनी थी वो करके सो जाऊंगा इंशाल्लाह, और सुबह व्लॉग को कंटिन्यू करूंगा और आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाने का भी सारा सीन दिखाएंगे कि 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी जाएं तो कैसा लगता है। अभी तो बड़ा मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी है, लेकिन जब सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा ना, फिर पता लगेगा कि यार वाकई कोई मुश्किल है। लेकिन खैर, एक ना एक दिन तो यूनिवर्सिटी खुलनी थी और दोबारा इंशाल्लाह जाना था, तो इंशाल्लाह जाएंगे दोबारा, और जिनके अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको हम SOPs पे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं करेंगे कि इसको, और ये SOPs जो सी हैं उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की लचक नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएंगी जितनी भी SOPs हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए और दूसरों के लिए एहतियात करनी ज़रूरी है। इसलिए मैं मास्क भी ले आया और सैनिटाइज़र भी, हर चीज़ मैंने अपने बैग में रख ली है, फुल टू फ्लैज तैयार है। इंशाल्लाह ब्लॉग का अगला हिस्सा जो है वो सुबह शूट करेंगे। अभी के लिए इतना ही था कि आपको सिर्फ बताना था कि तैयारी शैयारी कर ली है, इंशाल्लाह सुबह ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाने का भी बताएंगे। और एक जो थोड़ा सा मेरे लिए इशू बना है वो ये है कि पहले मैं जिस वैन पर जाता था वो वैन अभी नहीं जा रही, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके अंदर जो थे वो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के थे, सेवन्थ का मैं अकेला ही था, तो इस वजह से वो भाई नहीं जा रहे लेके वैन, तो उसका थोड़ा सा इशू ट्रांसपोर्ट का बनेगा। लेकिन इंशाल्लाह सुबह मैं गाड़ी पे जाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह परसों से फिर कोई ना कोई अरेंजमेंट बना लेंगे कि किस तरह जाना है और किस तरह नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक जो सी मेरी है वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, और ये भी इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होगी, और लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो सरप्राइज़ वीडियो है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया, तो स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह अगला वीडियो का हिस्सा सुबह बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, सुबह मुलाकात होती है।
हाँ जी भाईजान, यूनिवर्सिटी की तरफ हमारा जो सफ़र है वो रबतम है, और हम अब मास्क पहन लेते हैं क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, यूनिवर्सिटी आने वाली है। और मेरा बार बार मोबाइल गिर जा रहा है क्योंकि जब लॉकडाउन से पहले तो इस रोड पे इतने ज़्यादा जंप नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा जंप है, इस वजह से मोबाइल बार बार गिर रहा है। खैर, तो अब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और सुना तो है जी कि 6 फुट का डिस्टेंस और ये वो हर चीज़ सुनी है। सुनी तो बड़ी जगह थी, लेकिन देखते हैं आज के उस पर अमल भी किया जा रहा है या नहीं। और करना चाहिए, वैसे तो अमल करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। और अब चलते हैं, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। यूनिवर्सिटी पहुंच के ये जूनियर्स हमारे जा रहे हैं जी साथ ही, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और 7th खुला है, एक ही क्लासेस हुई हैं। ये देखिए आप बार बार गीजर खैर ऐसे पकड़ लेते, तो सिर्फ 7th और 1st की हुई हैं शुरू। तो देखेंगे कि जाके क्या सीन है। ये जूनियर्स हमारे साथ साथ जा रहे थे, तो आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का मोड़ मुड़ने लगे हैं, और वहाँ जाके आपको वहाँ के सीन्स भी चेक कराएंगे क्या हिसाब किताब है। सैनिटाइज़र मैंने वैसे अपने बैग में रखा हुआ है, क्योंकि मास्क के अलावा तो उन्होंने नोटिफिकेशन पे लिखा था कि मास्क के अलावा ओपन नहीं होने देंगे। खैर, सैनिटाइज़र की तो खैर है, लेकिन हमने फिर भी रखा है सेफ्टी फर्स्ट। और आप चलते हैं इंशाल्लाह, ये आगे यूनिवर्सिटी आ चुकी है, तो अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हुआ तो उन्होंने एंटर नहीं होने देना, तो इंशाल्लाह जाके आपको साथ मिलती है। तो वेलकम बैक जी, अब सीन कुछ इस तरह के हैं कि यूनिवर्सिटी से फ्री होके अब मैं वापस घर को जा रहा हूँ। आज बड़ा मज़ा आया यूनिवर्सिटी में, और आज एज सच कोई ज़्यादा स्टडी तो नहीं हुई, लेकिन इंट्रोडक्शन वगैरह हुए हैं, और बड़ा अच्छा दिन रहा आज का। और जो SOPs हैं उन पे भी अमल किया जा रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे और सेव रखे, आमीन। और हर बंदे को SOPs पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1st और 7th सेमेस्टर खुला है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ओपन हुई हैं, तो बाकी तो नहीं बच्चे आए। तो इंशाल्लाह आपको सबको SOPs पर अमल करना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, दूसरों के लिए। काइंडली ये पाकिस्तान च ना ऐ कम नहीं जाना, जिसका जब दिल करता है, जहाँ भी दिल करता है वो निकाल लेता। और हालांकि मैं मोहल्ले के अंदर एंटर होके व्लॉग कर रहा हूँ, मेन रोड पे मैंने व्लॉग नहीं किया कि कोई मसला ना बने। और मेन रोड पे तो वैसे ही पता ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लेकिन मोहल्ले के अंदर भी एहतियात, हैशटैग एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो इस तरह जिस तरह पता नहीं जंग पे निकले हैं लोग, स्पेशली बाइक्स वाले और जो रिक्शे वाले होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। वो तो इस तरह समझते हैं कि इस तरह चलाने में शायद कोई ज़्यादा मज़ा है, लेकिन नहीं, एहतियात करनी चाहिए और रोड पे देख के चलना चाहिए। पापा एक बात करते होते पंजाबी में, और बड़ी ज़बरदस्त वो बात है कि पुत्र आप ही बचना जी, इतने किसी ने किसी ने नहीं बचाना। और बिल्कुल ये बात ठीक है, यहाँ पे खुद ही बचना पड़ता है, कोई किसी को नहीं बचाता। तो आप जी घर पहुँच गए हैं, अब आपको इंशाल्लाह घर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे, और आज की जो स्टोरी है वो इंशाल्लाह बताएंगे। फ़िलहाल के लिए अंदर चलते हैं। तो जी लिया, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया आज मैंने, एक्सप्लोर तो नहीं किया, फिर एक तो मैं यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद मुझे DP ऑफिस में छोटा सा काम था, वहाँ पर मैं गया। वहाँ मुझे वैसे छोटा सा काम था, लेकिन देर काफ़ी ज़्यादा लग गई, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया यहाँ घर पहुँचने में, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी जल्दी का फ्री हो गया था। लेकिन अब 2 बजे का टाइम हो चुका है और घर पहुँच आई है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा आज का दिन रहा। तो अब घर चलते हैं इंशाल्लाह, यहाँ के ज़रा फ्रेश होते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में मेरा होगा, जो समय कह रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और इस व्लॉग को भी एंड करेंगे इंशाल्लाह, और आज की सारी आपको स्टोरी भी बताएंगे। तो फिलहाल के लिए जी अंदर चलते हैं और इंशाल्लाह व्लॉग को एंड करते हैं। तब तक जी स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि 6 महीनों के बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया था,
और आज की वीडियो के अंदर जो सा मुझे थोड़ा सा मेरे लिए इशू बना था वो ये था कि मुझे ज़रा सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, क्योंकि रात को मैं लेट तक जागता था और सुबह काफ़ी लेट उठता था, जो कि एक अच्छी रूटीन नहीं है। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी जाने के लिए मुझे तकरीबन सुबह 7-7:30 घर से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे रात को भी जल्दी सोना पड़ता है, और ये बड़ी अच्छी एक रूटीन है। इंशाल्लाह 1-2 दिन मसला होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा रूटीन सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको मैं कह रहा था कि थोड़ा सा हिंट दूंगा, वो ये है कि अगली वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ की अनशॉपिंग करने वाला हूँ। तो अनशॉपिंग वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बड़ी अच्छी मुझे लगी, तो उम्मीद करते हैं आपको भी इंशाल्लाह वो अच्छी लगेगी और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और उसी चीज़ की अनशॉपिंग हम बड़े फ़नी वे के अंदर करेंगे, वो भी वीडियो बहुत अच्छी होगी। और लाजमी वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहरयार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि जी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, और मैं गाड़ी पे गया था, लेकिन आज मैं वैन पे गया था, क्योंकि मुझे टाइम से वैन मिल गई थी। और गाड़ी पे मैं उस दिन जाता हूँ जिस दिन वैन से मैं लेट हुई, तो वापस घर पहुँच चुके हैं। और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बहुत ज़्यादा है। बस एक और मैं व्लॉगिंग की छोटी सी टिप देना चाहूँगा आपको, इतना बड़ा मैं यूट्यूबर हूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक टिप दे देता हूँ कि जब आप व्लॉगिंग शुरू करने लगे ना, उससे पहले ये राइट आर्म की आप ना जिम लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इस हाथ से ये कैमरा पकड़ पकड़ के ना आपकी यहाँ से बस हो जाती है हाथ। तो ये छोटी सी मेरी टिप है, इसको पहले फॉलो कर लेना।